Okay, friends. So we'll just go with the. How was the first 20? Today is the 22nd day. So how was the first 21 days? ये रिट्रीट कैसा था? आपके लिए अंदर क्या-क्या चेंजेस लाया? इसे क्या लाभ मिला आपको? क्या फायदा है? So इस बारे में आप शेयर करना एंड यस बिफोर यू शेयर यू जस्ट से वेर आर यू फ्रॉम एंड व्हाट यू डू एंड देन दिस जस्ट मेक श्योर यू आर डूइंग इट इन 60 सेकंड्स एनी स्पेसिफिक एक्सपेरिमेंट्स यू हैव डन एंड व्हाट इज दैट रिजल्ट 60 सेकंड्स टू 100 सेकंड्स मैक्स तो सर ने बोला है एक दो मिनट के अंदर आप लोग अपना ट्रांसफॉर्मेशन अपने एक्सपीरियंस को शेयर करिए और यदि कोई नई चीज ट्राई करे है उसको भी आप शेयर कर सकते हैं also where are you from and what you do so that I also get to know you हाँ तो कहाँ से हैं आप और क्या करते हैं वो जरूर बताइएगा शुरुआत में and then in just one line why you came into meditation just in one word just for peace For health, for joy, for enlightenment. You know, just one word. क्यों meditation? सिर्फ एक लाइन में आप बताइएगा तो किसको अनम्यूट करूं सर Your choice, madam. जिन्होंने बात नहीं है सर Okay, so do you want me to do? Okay. Okay, I will only do. Sir, Sarla को unmute कर दी हूँ. वो दो दिन से. Yes, madam. Sir, नमस्ते सर. बहुत बहुत thank you sir. मैं 3 साल से हूँ meditation में. तो मेरी BP की दवाई भी छूट गई. और अभी जो 21 दिन में मैं क्या बताऊँ. बहुत लाजवाब हुआ है. मैं आपका diet maintain की हूँ. और 7 दिन ये लाइम हनी वाटर पर ही हूँ और एकदम हंग्री फील नहीं हुआ है बहुत अच्छा लगा बहुत एनर्जी और ये हनी लाइम वाटर में 21 दिन ही बहुत एनर्जी फील हुआ लेकिन इसमें 7 दिन में बहुत ही एनर्जिक रहा और मैं क्या बताऊं मतलब आज भी शरीर में लग रहा है सर से लेके एकदम वाइब्रेशन जा रहा है ऊपर की तरफ जा रही हूँ बहुत अच्छा लाइक मैं वर्णन करने के लिए शब्द नहीं है बहुत बहुत अच्छा लगा मैं क्या बताऊं और मेडिटेशन में तो लाइफ ही चेंज हो गई और 21 दिन में तो मैं क्या बताऊं बोलने के लिए शब्द नहीं है सर मैं क्या बताऊं और आपको सर पत्री जी बुलाए हैं बेंगलोर में अभी पूर्णिमा के समय आप वहां हम लोग को ध्यान कराएंगे वहां से मेरे को अभी आया दिमाग में और पत्री जी से मैं यहाँ मिल चुकी हूँ 3-4 साल से मैं जहाँ रहती हूँ मेरे नीचे ही पूनम जी पोदार है मैं 19 तल्ला में हूँ वहाँ पत्री जी आते हैं रुकते हैं मैं 3-4 साल से रेगुलर मिलती हूँ साल में एक बार आती हूँ और बहुत अच्छा मैं उनके ही थ्रू मैं आई हूँ पूनम जी के थ्रू 3-4 साल से बिल्डिंग में वो मेरे नीचे ही है बहुत अच्छा मेरे को वो कोलकाता की मास्टर है मैं क्या बताऊं बहुत बहुत थैंक यू आपका 21 दिन बहुत अच्छा लगा आप फिर आइए हम लोग के साथ जुड़िए बहुत अच्छा लगा थैंक यू बोलने के लिए सब नहीं है सर थैंक यू सरला जी धन्यवाद धन्यवाद मैडम शुक्रिया बहुत अच्छा लगा थैंक यू सो नेक्स्ट I will. Okay, madam. I will only unmute so that you can rest for some time. Okay. Okay. Galaxy, madam. Galaxy A50. Ab unmute kariye. Pata nahi kahan gaya. Oh, idhar aa gaya. Sir, main Shobha Mohta Raipur se hoon. और मैं रायपुर में सुलिख ज्ञान मंदिर के नाम से हैंडराइटिंग की क्लासेस लेती हूँ और सर मैं तो पहले आपको तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि जो मैं बरसों नहीं कर पाई
वो आपके 21 दिन में मैं अपने आप में मैंने चेंज कर लिया, और आपने तो हमें जीवन जीने की कला सिखा दी सर। और मैं मेडिटेशन में ऐसे आई कि हम तीनों बहनें इसी ग्रुप में हैं, और तीनों ने हमारी साल भर से चाहे कि हम मेडिटेशन करें। हम 4 बजे उठते भी थे और मेडिटेशन में बैठते थे, पर सर वो नहीं कर पाए। जो आपके सानिध्य में हम तीनों बहनें और सर मैं जरूर चाहूंगी उसको मौका दे, क्योंकि अगर चेंज बताएगी आपके आपके साथ का दीजिएगा, शारदा को मेरे बाद मौका दे दीजिएगा। और मेडिटेशन से तो मैंने कभी, मेरी सिस्टर्स बोलती थी, पर मैंने मेडिटेशन कभी नहीं किया। मैंने पहली बार मेडिटेशन किया सर, पर जो मैंने अनुभव किया ना, यानी इतना मिरेकल कि मैं बता नहीं सकती आपको। थोड़ा सा धीरे बोलिए सर, को हिंदी इतनी फास्ट। अच्छा अच्छा जो कॉन्फिडेंस आया, पॉजिटिविटी आई, पेशेंस आया, सेटिस्फेक्शन आया, और मन इतना शांत हो गया सर। जबकि 21 दिन के मेडिटेशन में हम इतना टाइम अपने लिए, कभी मैंने अपने लिए टाइम देना सीखा, इतना टाइम मैंने कभी नहीं दिया सर। तो घर वालों के बहुत ऑब्जेक्शन भी हुए, पर मैंने किसी की परवाह नहीं की सर। सर मैं आप में जो जादू है ना, आपके बोली में और आप में जो जादू है ना, उसने मुझे मंत्रमुग्ध कर दिया, और उसी की वजह से मैंने किसी की परवाह नहीं दी। बहुत प्रॉब्लम है सर, यानी घर में इतने प्रॉब्लम है मैं बता नहीं सकती, क्योंकि 3-3 घंटा तुम करते क्या हो। पर मैंने किसी की परवाह नहीं, आपके मेडिटेशन के आगे किसी की भी परवाह नहीं की सर मैंने। और सर मैंने आपका 21 दिन का पूरा फॉलो किया, मैंने मेरा 5.5 kg वेट घटाया सर। और सबको बोलते हैं आपके स्किन में तो बहुत, आपका स्किन ग्लो करने लग गया है, आप में तो एकदम मिरेकल चेंजेस कैसे आए, सब कोई मुझे क्वेश्चंस करते हैं सर ये सब। और सर उसके बाद ये जो चाय जो मैं जिंदगी में बस एक सर छोटा सा हो रहा है सर, चाय जिंदगी में छोड़ नहीं पाई थी, वो छोड़ दी सर। और इसी तरह सर आपका सानिध्य और आशीर्वाद हमें बना रहे, इसी इसी आशा के साथ मैं तहे दिल से आपका धन्यवाद करती हूँ, और साथ में नीता जी और खेम जी का, और ये ध्यान छत्तीसगढ़ का दहे तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ सर। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ओके मैडम, थैंक यू। सो नेक्स्ट वी विल, ओके आई एम जस्ट सर्चिंग हु इज नेक्स्ट। Okay, I'm getting confused. Okay, Mansi. Mansi Jaiswal. Bolia, madam. Sir, can you hear me? Yes, we can hear you. Speak. Can you speak? Sir, good evening. Sir, can you hear me? Yes, madam. Go ahead. Yes, sir. I'm from Dehradun. I'm into teaching profession. And I'm into the meditation, Anapanasati. I'm following Anapanasati for the last 5-6 years, sir. But still, I was, you know, confused. और बहुत सारी चीजों की क्लैरिटी थी, एंड स्पेशली सर इमोशनली स्ट्रांग होने के लिए सर मुझे लगता था कि क्या करना चाहिए सर। ये सर थैंक यू फॉर द ब्यूटीफुल सेशंस सर। ये जो हमें 21 डेज के सेशन दिए हैं, इसमें मुझे ऐसा लग रहा है कि आई एम नाउ बिकमिंग इमोशनली स्ट्रांग। एंड सर एक कभी ना कभी भगवान करे आपसे सर मुलाकात हो, आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड फॉर इट सर। प्लीज विजिट टू देहरादून व्हेनेवर यू गेट टाइम। Okay, madam. Thank you for sharing. Yes, I have visited Dehradun few times. And sir, one more question, please. So actually, when I was following the liquid diet, sir, yesterday, sir, raat ko, sir, I was, you know, feeling very weakness. बहुत ज्यादा वीकनेस हो रही थी, पहले फ्यू डेज नहीं हुआ मुझे, लेकिन यस्टरडे सर इट वाज वेरी यू नो अनबेरेबल विद वेजिटेबल्स। सर तो कोई आया कुछ इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है?
I'm not able to. Your voice is breaking. So what you're saying, you're taking vegetables and fruits? Last night she ate some vegetables due to weakness. Okay. So it's okay. What's your question? So like, I was in liquid diet and yesterday I was feeling very weak. And headache bahut zyada ho raha tha. So I had a chapati with vegetables. So usme koi dikkat to nahi hai sir? You are feeling better now? I am feeling better. Then why worry? Because everything is fine. Okay, don't feel guilty for eating chapati. Enjoy the food. Okay. All right. Thank you for sharing. Anya Brahmam. Thank you. So thank you. Okay, madam. Thank you. So next, Asta Prajapati. Asta Prajapati, can you unmute and speak? Good evening, sir. Yes. Hello. Yes, madam. I think you are in a noisy atmosphere. So the children are nearby me. Wait a minute, sir. Ask again. Okay, we will unmute you a little later. Okay, madam? Oh, sir. All right. Next, Rupali. Can you unmute and speak? Namaste, sir. Namaste, madam. Hello. Hello, madam. मैं डेवन से सेशन को अटेंड कर रही हूँ. सॉरी, मैं नासिक महाराष्ट्र से हूँ और मैं मानसी भोले और खेम भोले इनसे इंस्पायर्ड होके मेडिटेशन में आई हूँ सर. और उन्होंने जो अच्छे एक्सपीरियंस बताए तो मैं इंस्पायर्ड हो गई और मुझे भी अच्छे एक्सपीरियंस आए, इसलिए मैं कंटिन्यू कर रही हूँ सर. और लास्ट सितंबर से मैं सेशन में हूँ गीता मैम के साथ. और मैं पूरे सेशन में हूँ सर. वो डाइट भी पूरा फॉलो किया है मैंने. और मेरा ये एक्सपीरियंस है कि लिक्विड डाइट में मुझे ज्यादा एनर्जी फील हुई और दिन के डेली रूटीन. हेलो. हाँ, कंटिन्यू करिए. डेली रूटीन वर्क ज्यादा एनर्जेटिकली हो रहे थे और वक्त से पहले हो रहे थे. बिल्कुल थकान भी नहीं थी और लेजीनेस भी नहीं था. और मेडिटेशन में तो बहुत ज्यादा एनर्जी लग रही थी जो पहले कभी नहीं लगी थी सर. और ये लिक्विड डाइट में इसलिए कर पाई सर कि आपका ये सेंटेंस मुझे बहुत एनकरेज कर गया. जब आपने किसी को बताया था कुछ नहीं होता मैडम, कर सकते हो आप, इसलिए मैंने विदाउट फियर और विदाउट डाउट पूरा कर लिया लिक्विड डाइट. और आपके डेली विजडम शेयरिंग में आपने इतना अच्छा सब शेयर किया सर कि मन में जो कुछ भी सवाल थे वो अपने आप सॉल्व हो गए. Okay, madam, I think my connection got disconnected. I just came back. So, so I heard that you got many changes and you are inspired. You are from Nasik and all those things. Yes. Okay. So just one or two points, you can just be brief. Bolu kya, sir? Aapne suna nahi kya? Just one. Yeah, you went through a great transformation. Yes, I heard that. First day se main session mein hoon, sir. और मैंने पूरा डाइट भी फॉलो किया आपका और मुझे बहुत अच्छा लगा ये सेशन में आके. बहुत एनर्जेटिक फील हुआ. मोस्टली इन लिक्विड डाइट आई एम फील वेरी हैप्पी एंड एनर्जेटिक इन फुल डे वर्क आल्सो. एंड इन मेडिटेशन देयर इज आल्सो हाई एनर्जी कंपेयर टू अदर डेज. और सर आपका जो सेंटेंस था जब किसी ने पूछा था लिक्विड डाइट हो सकता है कि नहीं, तब आपने जो बताया था कि होता है मैडम, सब कुछ होता है, जो आपने एनकरेजिंग वर्ड्स कहे थे उससे मैं बहुत अच्छे से लिक्विड डाइट मैंने कर लिया विदाउट फियर और विदाउट डाउट. और आपके जो डेली विजडम शेयरिंग में आपने जो सब कुछ अच्छा ज्ञान दिया उससे मेरे सब कुछ भी माइंड में जो क्वेश्चन आता था वो सॉल्व हो गए सर. ओके मैडम, थैंक यू, थैंक्स फॉर शेयरिंग. सो व्हाट यू डू, यू आर अ होममेकर. हमारा फैमिली बिजनेस है सर. कुछ शॉप्स वगैरह है तो मैं जाती हूँ शॉप्स पे, और नहीं तो मैं हाउसवाइफ हूँ.
ओके थैंक यू. ओके थैंक यू सर. थैंक यू. थैंक यू रूपाली जी. थैंक यू मैडम. मैडम यू ओनली अनम्यूट सो बेटर यू अनम्यूट बिकॉज़ माय कनेक्शन. हेलो सर. हेलो. हाँ रूपाली आप बोल दिए ना. हाँ जी आपको सुन रहा है मैम. हाँ सुनाई दे रहा है. ओके ओके ओके. एक्चुअली सर बिल्कुल एंजल जैसे है मेरे लिए. सीरियसली मींस मैं मेडिटेशन बहुत टाइम से कर रही हूँ बट अब जो मैं अपने आप में चेंज फील कर रही हूँ वो सर की वजह से. और नीता मैम और सर के प्रति इतनी ज्यादा रिस्पेक्टफुल हूँ कि मैं बता नहीं सकती. और मैं लिक्विड डाइट पे थी बट फ्राइडे को ऐसा हुआ कि मेरी बॉडी में एक शेक हुआ जिससे कि मैं बिल्कुल बेड रिडन हो गई हूँ 3 दिन से ना. मतलब मेरे से बैठा नहीं जा रहा और मैं 3 दिन से लेट के ही अटेंड कर रही हूँ ये सेशन. बट ये सर की वजह से है कि बिल्कुल मन में ये नहीं आ रहा कि मेरे को इतनी ज्यादा प्रॉब्लम क्यों हो गई है. मुझे लग रहा है ये मेरा कार्मिक अकाउंट है जो क्लियर हो रहा है. ऐसा है क्या सर प्लीज बताइए. Yes, madam, 100% true. Where are you from? I'm from Sonipat, Haryana. You are from Sonipat, Haryana. Yes, a lot of karmic cleansing will happen. You are right. Okay, sir, आप बहुत अच्छे हो सच में. आपने मतलब मैं बता नहीं सकती. आपने बहुत सारे चलो अब आप हाँ okay okay thank you so much. Thank you, Rupali ji. हाँ अलका जी. Hello sir. मैं अलका रायपुर से. मैं और मेरे हस्बैंड दोनों आपका रिपीट सुन रहे थे. फॉलो डाइट वाइज फॉलो नहीं कर पा रहे थे पूरी तरह. मैं 8 सालों से मेडिटेशन में हूँ और ये अभी का मेडिटेशन मेरे पिछले 8 साल के मेडिटेशन में सबसे अच्छी मेडिटेशन में से एक था. और मेरे हस्बैंड मेरे से ज्यादा हैप्पी हैं और बोल रहे हैं कि और कंटिन्यू करो अटेंड करना. और बहुत सारे डाउट्स थे लेके जो भी मेडिटेशन को लेके वो सब क्लियर हो गए. बट स्टिल जो इल्यूजन को लेके आपने काफी डिटेल में बोला बट मुझे स्टिल अभी भी कुछ डाउट्स हैं क्योंकि मेरे पास भी बहुत सारे एक्सपीरियंस हैं जिनमें मुझे ऐसा लगता है कुछ इल्यूजन है. या हालांकि मैंने पत्नी सर से एक दो बार पूछा और उन्होंने बोला भी कि नहीं व्हाट एवर यू आर सीइंग इज ऑल दैट इज रियल देयर इज नथिंग इल्यूजन. बट कभी कभी मुझे डाउट होता है और मैं बहुत ज्यादा फोकस उस पर करती नहीं हूँ. जस्ट लेट गो कर देती हूँ. दैट्स ऑल सर. थैंक यू. Okay. Thank you, madam. So your experiences are not illusion. See, your experiences are real. But when you think you are great, then it is illusion. I am not thinking, sir. I am great. I am just a beginner. I am just a learner. And see, your experiences are real. Enjoy the experience and come back to meditation. That's all. As long as you are not focused on the experiences and as long as you are not getting carried away, then everything is fine. Enjoy the experience. Come back to meditation. Come back to reality. Okay, sir. Like other planet, travel, past life, everything I have experienced. But I don't stick in that all and don't analyze that. But I have many, many experiences. It's all perfect. That's all perfect, madam. Okay, sir. And my husband is totally different. He has a... some kind of he feels some presence of some I don't know what is that. And sometimes he feels that his body is under control of that one. And some yogas and kriyas go automatically and okay we'll discuss about it. Thank you Alka ji. Haan Sharda ji. यस नमस्ते सर. हाँ बोलिए शायद. हाँ बोलिए मैडम. कहाँ से आप क्या कर रहे हैं? मैं मुंबई से हूँ. मेरा नाम शारदा और मैं मेडिटेशन में 2 साल होममेकर. हाँ होममेकर. ओके. मैं मेडिटेशन ही जूम पे करवाती हूँ. करो थोड़ा Zoom में टीच करती है मेडिटेशन वो टीच करती है. हाँ बोलिए. तो मेरा ये एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा 15 दिन का. मैंने पूरी तरह से फॉलो नहीं किया. एक टाइम खाना जरूर खाया है लेकिन बाकी पूरा करा है. पानी पीना या लिक्विड करना या फ्रूट्स है वो, क्योंकि एक टाइम खाने के बिना पता नहीं मेरे को गैस बन जाती. मैं एसिडिटी की प्रॉब्लम है इसलिए करके मैंने नहीं करा.
और बाकी मेरा 2 किलो वेट कम हुआ है और बहुत अच्छा है, और मेरे को सीखने को बहुत कुछ मिला आपकी विजडम से। तो ऐसा एक्सेप्टेंस बहुत आई है मेरे को, सब कुछ एक्सेप्ट करना, और विजडम का तो बहुत ज्यादा सीखा है, हर क्वेश्चन आंसर के आपसे बहुत ज्यादा। सर एक बात मैं पूछना चाहती हूँ, मैं गार्लिक खाती हूँ, एक लहसुन की वो कली खा सकती हूँ, मैं सुबह के टाइम खाती हूँ गैस की वजह से। नो मैडम, बिल्कुल नहीं नहीं नहीं, क्योंकि वैसे गार्लिक प्याज लहसुन कुछ नहीं खाती, लेकिन एक मेरे को किसी ने बताई थी, मैं कई सालों से ना वो एक खाती हूँ, एक सुबह कली पानी के साथ ही, वैसे सब्जी में नहीं, तो क्या वो भी नहीं? नो, उसकी जगह फिर क्या करूं जैसे गैस की जगह? नो मींस नो। एक किसी की ना मेमोरी वापस। डोंट वरी अबाउट ऑल दोस गैस्ट्रिक एंड ऑल, ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर, देयर आर लॉट ऑफ हर्ब्स, ओके, इन इंडिया हैज लॉट ऑफ हर्ब्स, लाइक यू कैन ईट नीम, हल्दी, तुलसी, ओके, पुदीना, कोरिएंडर, ऑल दोस थिंग्स यू कैन ईट, बट नो गार्लिक। ओके सर, एक क्वेश्चन और है, किसी को मेडिटेशन करवाती हूँ तो उसकी मेमोरी वापस नहीं आ रही, उसके लिए क्या करना चाहिए? ओके, क्वेश्चंस आर लेटर मैडम। ओके थैंक यू सर, थैंक यू, नाउ इट्स ओनली शेयरिंग, थैंक यू। ओके थैंक यू। हां निकिता जी, हेलो सर, आई एम फ्रॉम पंजाब, मेरा जो आई एम ऑडिबल? यस मैडम, यू आर ऑडिबल, यस यू आर फ्रॉम पंजाब, एंड व्हाट यू डू, सो वेयर आर यू फ्रॉम एंड व्हाट यू डू, will you please start with it? I'm from Jalandhar and I'm homemaker. Sir, बाकियों की तरह मेरा भी experience आपके साथ बहुत अच्छा रहा। मैं आज मुझे diet follow करते हुए 12th day हुआ है, और सबसे ज्यादा अच्छा मुझे ये लगा कि मुझे अपनी potential का पता लगा। मुझे लगा कि मैं सिर्फ 2 दिन में ही भाग जाऊंगी, पर आज ये 12th day है, और हाँ मुझे अब लगने लगा है कि मैं मुझ में बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, मैं और भी कर सकती हूँ। और दूसरा मुझे जो सबसे अच्छी बात ये लगी कि मैंने कभी अपने जेंडर को भी एक्सेप्ट नहीं किया, और पर अपने लिए जब ये करते हुए 12 दिन में ही अपने लिए खुद के लिए ग्रोसरी लेने जाना, आपने कहा नो डिपेंडेंसी, तो मैंने ये फॉलो किया पूरी तरह से, एक्सपेरिमेंट करके देखा कि मैंने हस्बैंड को नहीं बोला मेरे लिए ये लाना है। पहले वीक में मुझे हनी नहीं मिला, तो मैंने सर्च किया और मिल गया फिर हफ्ते बाद, तो अब 4 दिनों से हनी लाइम पी रही हूँ, और वो सब खुद लेके आई अपने लिए, खुद काटती हूँ और अपने लिए खुद बनाती हूँ। मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि मैं खाना जब बनाती हूँ मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता बनाना, 3 टाइम मैं ही बनाती हूँ, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, और जब मैं अपने लिए बना रही हूँ और खुद खा रही हूँ जब, तो मुझे एक बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है, और ना मुझे थकावट हो रही है और ना मुझे वो खराब लग रहा है, और मुझे ये समझ में आ रहा है कि जब अपने लिए कुछ कभी किया ही नहीं, अपने आप को एक्सेप्टेंस दी नहीं, तो मैं किससे क्या मांग रही हूँ, तो रिलेशंस क्यों खराब है, कैसे खराब है, अब मुझे समझ आ रहा है। और पहले अपने लिए करो, खुद भरो, चाहे वो अपना पेट है और चाहे कुछ और। सेल्फ लव का एल भी मुझे नहीं पता, एस भी नहीं पता था, पर वो क्या है अब जान पा रही। मैं इतना ही कहना चाहूंगी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ओके मैडम, थैंक यू फॉर योर ग्रेट रियलाइजेशन, थैंक्स फॉर शेयरिंग, थैंक यू। नेक्स्ट, हावीना जी बोलिए। हेलो प्रदीप जी, मैं वीना चतुर्वेदी बिलासपुर छत्तीसगढ़ से बात कर रही हूँ। नीता की मैं बहुत अच्छी फ्रेंड हूँ, और नीता के कहने से ही मैं मेडिटेशन में आई हूँ। नीता ने मुझे 3-4 साल पहले बोला था, लेकिन तब मेरे पास शायद उतना वो नहीं था तो मैं नहीं कर पाई, लेकिन अभी डेस्टिनी थी तो मैं आई इसमें, और 1 साल होने जा रहा है मुझे, मैं बहुत इंजॉय कर रही हूँ। और अभी जब से आपका ये रिट्रीट चालू हुआ है, 2 मील मैंने किया था, एक मैं लंच स्किप कर रही थी, और मैं बहुत कंफर्टेबल थी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। मैं डायबिटीज पेशेंट हूँ और बीपी भी है मेरे को, तो मेरा बीपी फ्लक्चुएट होने लगा बीच में, तो मुझे वो छोड़ना पड़ा। मतलब वो वन टाइम तो मैं करती रही, लंच मैं स्किप करती रही, लेकिन 2 मील मैं लेती रही,
और जिस दिन आपका रिट्रीट शुरू हुआ, पता नहीं अचानक से कैसे मैंने अपने हस्बैंड से बोला कि सुनो, आज से मैं ना तुमसे तेज आवाज में बात नहीं करूं तुमसे किसी से भी तेज आवाज में बात नहीं करूंगी। उस समय मुझे नहीं मालूम था कि क्या रिट्रीट है, कैसा रिट्रीट है, कौन आने वाला है, कुछ नहीं मालूम था। लेकिन आपको विश्वास नहीं होगा कि 22 दिन हो गए मैंने तेज आवाज में बात नहीं की तो यही मेरा अचीवमेंट है इस रिट्रीट का। बाकी जो विजडम आपने दी है, विजडम मुझे वो बहुत है, बहुत अपार है, मतलब इमेजिन नहीं कर सकते थे। और प्रदीप जी, मैं ये भी कहना चाहूंगी कि आप कितने अच्छे हैं ये मैं बता सकती हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मैडम, थैंक्स फॉर योर करेज एंड एक्सपेरिमेंट। ओके नेक्स्ट। हाँ शारदा जी बोलिए, अनम्यूट करिए। अनम्यूट करिए, हाँ हो गए, आप अनम्यूट हो गए। नमस्कार सर, मैं शारदा राठी नागपुर से। एक्चुअल में मैं सुजोग थेरेपिस्ट के साथ साथ ट्रायोरिजन स्माइल मेडिटेशन करती हूँ 17 साल से गत, और इसके क्लासेस वगैरह भी कंडक्ट करती हूँ। बट जब आपने क्रिस्टल्स मेडिटेशन करवाया, फर्स्ट डे जब बोला कि आप एक मिनट तक क्रिस्टल को देखिए और क्रिस्टल मेडिटेशन कीजिए, तो उस समय मुझे एक गांठ ब्रेस्ट में आई। और वो क्रिस्टल मेडिटेशन जब आप करवा रहे थे तो लग रहा था कि पूरा वाइब्रेशन वो उतने एरिया में जा रही है मेरी, और पूरा आंखों के सामने उजाला ही उजाला नजर आ रहा है। तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन उसके बाद में क्या हुआ कि मुझे ऐसा लगा मुझे डॉक्टर को दिखाना चाहिए, और मैं तुरंत डॉक्टर के पास जाऊं तो कौन से, क्योंकि मैंने आज तक एक सिंगल गोली भी नहीं खाई और इंजेक्शन भी नहीं लिया। मैं 62 इयर्स की हूं बट अभी तक नहीं लिया। तो मैंने सोचा कि मैं कौन से डॉक्टर को दिखाऊं, और ऐसे करके किसी ने बोला आप सोनोग्राफी करवाइए इसकी, और सोनोग्राफी करवाई तो सोनोग्राफी में नॉड्स आई। तो धीरे 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 अच्छी डॉक्टर भी मिल गई। मेडिटेशन का असर ऐसा हुआ कि अपने आप ही लिंक बनती गई, और 2 दिन में पूरी चेकिंग होके 5 दिन के अंदर मेरा ऑपरेशन हो गया, वो नॉड्स निकाल दी, फर्स्ट स्टेज कैंसर आया है मुझे। और इस तरीके से इतना स्मूथली मैं ऑपरेशन भी करने इतनी स्माइलिंग करते हुए गई हूँ सर, मैं आपको नहीं बता सकती हूँ। और वो मुझे बस वो क्रिस्टल ही क्रिस्टल दिख रहा था। जब मुझे एनेस्थेसिया दे रहे थे तो एनेस्थेसिया वाले बोलते मैडम आप कंफर्टेबल है, मुझे हाँ मैं कंफर्टेबल हूँ, आप करते जाइए जो करना है करते जाइए, और मुझे एक क्रिस्टल ही क्रिस्टल दिख रहा था और आप दिख रहे थे। तो इस तरीके से मेरा बहुत ही सुंदर अनुभव रहा। मैं देखिए 2 दिन ही हुए मुझे ऑपरेशन किए हुए, मैं बैठी हूँ कंटिन्यूअस, आपका मेडिटेशन भी कर रही हूँ कंटिन्यूअस, इसके सामने बैठी, और देखिए कितने मेरा चेहरा देख के आप लोग कोई नहीं बोलेंगे कि मैं इतना बड़ा ऑपरेशन करवा के आई। तो सर ये मिरेकल है, और ये मिरेकल मैं आप लोगों को सबको शेयर करना चाहती हूँ कि इसमें इतनी ताकत है जो आप बताते हैं अपने लेक्चर में। कुछ लेक्चर मैंने सुने, फिर ये सब प्रोसेस चलती रही तो मैं नहीं सुन पाई, बट कुछ लेक्चर सुने उसमें ही मैं आपको बताती हूँ कि आपने जो जो बातें कही वो मेरे जिंदगी में बीत गई है, और मुझे लगता है कि मेडिटेशन में बहुत बड़ी ताकत है। तो हमें इस चीज को इस कंटिन्यू चालू रखना चाहिए। स्माइल, थैंक्स सर। थैंक यू शारदा, थैंक यू मैडम। हाँ शोभा जी। हाँ सर प्रणाम। हाँ मैडम प्रणाम। सर बहुत बदलाव आया है, 8 साल से हम ध्यान कर रहे हैं, बहुत क्लास। कहाँ से सर? हमारे ही टीम की है सर, हमारे ही टीम में है, रायपुर छत्तीसगढ़ की। सर नीता मैं हम लोग बहुत क्लासेस वगैरह लेके आए, पर जब जब क्लास लेने के कुछ दिनों के बाद अक्सर सर मैं बीमार पड़ गई, मेरे को कमर का दर्द हो गया। लास्ट अभी मैं एक जगह में करा के आई, और वो हर जगह 40 दिन का रखवाती थी, पर 40 दिन के अंदर पूरा नहीं कर पाई, पर पूरी 40 दिन पूरा हो गया, पर इस बीच में मेरे को कमर का दर्द फिर से हो गया कि मैं सीधी भी नहीं चल पा रही थी, पूरी टेढ़ी हो गई थी सर।
सो मजबूरन डॉक्टर को दिखाना दिन में ऑपरेशन तो पहले 2 साल पहले हो गया था, पर दवा चल रही थी, पर अभी आपका जैसे सेशन चालू होने से शायद एक आध दिन पहले या उसी दिन ध्यान नहीं पड़ रहा है, इतना दर्द 2.5 महीने से मैं दवा ले रही हूँ, पर आपका सेशन से मेरे को इतनी ताकत आई सर। और जितने भी आपके हमारे जो 7-8 साल में जो डाउट थे, जो हमने जहां जहां ध्यान कराया, पत्री जी को सब मास्टरों को बुलाते थे, ये सब हमारा अंदर से जो डाउट था सब खत्म हो गया। और वो अब समझ में आया कि हमारी क्या गलती थी जो हम ध्यान करा के आते थे और उसके बाद हम बीमार पड़ते थे। हम मत बोलो तुरंत, नहीं शोभा हम मत बोलो, मैं मैं सॉरी तो मैं तो सर अभी एक मेन कहने का मतलब ये है कि मैंने हिम्मत करके मैं बोली बेटा मैं अब दवा नहीं लूंगी कुछ भी हो जाए। और वाकई में ये 21 दिन से पहले से दवा छोड़ दी और दवा भी नहीं खा रही हूँ, पूरा डाइट करी, जबकि मैं बीमार होके उठी थी, कोविड से उठी थी, और पूरा लिक्विड पूरा आपका फॉलो किया। और मेन सबसे एक एक हमारा अंदर का जो डाउट था हीलिंग, हमेशा तबियत खराब थी, ऐसा लगता था संपा मैम का हीलिंग, इसका हीलिंग कर लें, शायद हमारा शरीर ठीक हो जाए, पर कुछ तो कर्मास था और कुछ हमारी शायद कुछ और होगी, सब भी है। जो भी है सर, आपका क्लास करके हमारा एक एक रग रग से हमारा जो डाउट थे वो निकल गए सर। पूरा सेशन वगैरह तो पहले से छोड़ दिए थे और अभी छोड़ ही दिए हैं, ध्यान अपनी तरफ ही है कि हम ध्यान ही कर रहे हैं। और शायद ये कोरोना आया है तो हमको घर में बैठने का टाइम मिला है और अपने लिए टाइम मिल रहा है और ध्यान का भी समय मिल रहा है, जबकि हमने ध्यान बहुत किया सर, बहुत 36 घंटे 30 घंटे बहुत सारे क्लास बहुत ध्यान करी मैं, पर ये 21 दिन के ध्यान में आपके ध्यान में बहुत बदलाव आ गया सर। आपका फोन नंबर चाहिए सर, केमन में मेरे बच्चे रहते हैं, मैं सोची हूँ मैं जब भी वहां जाऊंगी आपका क्लास करवाऊंगी, इसीलिए मुझे आपका फोन नंबर चाहिए सर। ओके मैडम, जरूर मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद हमारी छत्तीसगढ़ टीम को, नीता को, सबको धन्यवाद। थैंक यू शोभा जी। हाँ किशोर जी No, before we let other speaker, other people speak, you want to hear the surprise? Yes, sir. Any guess? So you are starting another retreat for us? Really, sir? Navneet is coming. Navneet, sir. Season 2 begins tomorrow. Huh? Wow. Really, sir? Yes, another 22 days. That was a surprise. Really, sir? Oh, yes. Oh, my God. Sahi mein batao, sir. Mujhe kyunki aadhi to aapne phone mein bola ki I want a break, Neeta. To mujhe vishwas nahi ho raha hai. Aap bilkul sure bataiye. But season 2 will be different. So how it will be different, I'll tell you tomorrow. But thank you, sir. Mamta ji, Mai ji, aur Khem ji. Thank you. Yes. Thanks a lot, sir. Thank you. Thanks, sir. Just before I logged into the session, that was the time I felt the intuition. No, Abhi, there is lockdown. There is lockdown all over the country, and still. You know, this 22 days, yes, people have realized a lot, but now the second 22 days, then everybody is going to become a yogi only. Yes, so I don't want any dependency. So it's going to be like more of intense meditations. The next season will be full of intense meditation. Yes. And yes, we will be following the mauna also, silence also. You will be following certain days, certain silence. And yes, the food diet also will be different. And don't worry, you will be eating at least one meal or two meals a day. You will not be in the liquid diet. So I will explain all those things tomorrow, and there will be some other sharing, which I will let you know tomorrow. Okay, so that is a surprise. बहुत बहुत बड़ा surprise है sir, और बहुत बहुत thanks. Thank you, sir. Thank you. I was wishing the same.
Yes, but it was strange because I had no idea. Just before I logged in, I got this intuition, no, I have to continue. So I have to continue to take this, because the first season, it was all introduction and how to do the right thing, and how to come out of the illusions, and how to integrate the book reading, mindfulness. So the season two will be full of mindfulness, will be full of mindfulness and full of meditation. So, and also there will be silence also. We'll be integrating mauna also, certain days, how to practice silence, how to practice mauna, and how to enjoy life. This also we will share. Okay, we will focus. We will focus more on emotions, self-healing, and we will focus on all those things. So the second 22 days, season two starts from tomorrow. Yes. Thank you. It will be the same time, but we will shift half an hour before. Okay, so we will start from start from 3:30, but it won't be 3 hours. Okay, so this time we have spent mostly 2.5-3 hours, but it won't be like that. So we will start 3:30, and we will finish by 5:30 max. Okay. Okay. Wow. Okay. So 3:30 to 5:30 max. That will be there. All right. So we'll discuss more about it tomorrow. But let us listen to the sharing today, because in season two you won't be having much option to speak or share. It will be very intense meditation. Okay, but of course, yes, questions will be there, but we will take the questions only once a week. Okay, sir. Okay, so I'll explain all those things tomorrow, but let us continue the sharing. Ha, Kishore ji. Hello, I'm audible? Ha, ha. Yes, sir, go ahead. Sir. I'm sir, Rajasthan government ka employee, sir, main? Yeah. और मैं आप कहां से सर? मैं अभी इंदौर से बोल रहा हूँ. मैं इंदौर से. हाँ, बट मैं जयपुर में था लास्ट ईयर तक. लास्ट ईयर वाज अप टू जयपुर. इन जयपुर आई लिव्ड इन जयपुर फॉर लास्ट 56 इयर्स. ओके सर. हाँ, और मैं ध्यान में ऐसा है एक्चुअली 2018 में मैं नागपुर गया था और वहां पर मुझे किसी ने बताया तो मैंने उसको रिफ्यूज कर दिया. मैंने ये बेकवास, मैं नहीं करता कुछ. देन आई व्हेन आई केम टू इंदौर सर 27 सितंबर, मेरे को मेरे फ्रेंड ने कॉल किया नागपुर से. सर ओके सर, आपका फ्रेंड का रेफरेंस है, आप मेडिटेशन में आया, वेरी गुड. हाँ जी, हाँ जी, हाँ. और फिर मैंने सितंबर में मैंने जेटीपी 2 किया और जेटीपी 3 किया मैंने, और मैं अब ये आपका सेशन ज्वाइन किया मैंने. और मैंने दो एक्सपेरिमेंट किए सर. मैंने पहले एक्सपेरिमेंट ये कि तो मैंने आपके साथ डाइट फॉलो नहीं की, लिक्विड डाइट, सॉरी. और मैंने एक्सपेरिमेंट ये किया सर मैंने कि एक दिन मैंने कुछ नहीं खाया मैंने, तो उस दिन मुझे इतना एनर्जी फुल हुआ कि मैं बता नहीं सकता आपको, पता नहीं क्यों. दूसरा ये कि मेरी मेडिसिन छूट गई. आई एम बीपी पेशेंट, तो मैंने पिछले 2 हफ्ते से बीपी गोलियां नहीं खाई मैंने. दिस इज चेंजेस आई फेल्ट. थैंक यू सर. थैंक यू. वंडरफुल सर, इज अ ग्रेट, इट्स अ ग्रेट एक्सपेरिमेंट दैट यू लेफ्ट मेडिसिंस एंड यू स्टार्टेड हीलिंग योरसेल्फ. थैंक यू सर, अमेजिंग. थैंक यू सर. थैंक यू. थैंक यू किशोर जी. नमस्ते सर. नमस्ते सर. सर मैं बताइए, आपसे के एक्सपेरिमेंट वर्ड हम सबसे सुनते, पर पता नहीं आपके जुबान से जब जस्ट एक्सपेरिमेंट निकला तो इतना, मतलब मैंने भी सोचा चलो करके देखते हैं. और फिर आरती आए, यू क्या नर्स, फिर मैं वाकई में हम, मैं तो बताऊँ आपको, झूठ झूठ से हम मतलब चीटिंग करके हम करने आए थे ये डाइट फॉलो एक बार चाय लेके. पर पता नहीं आपके जुबान से जस्ट एक्सपेरिमेंट सुना और उस दिन से चाय वाय सब छोड़ दिया और बहुत मजा आया सर. मेरी खुशी है ना आपके साथ ये करके आई, और जो आपने हमको बढ़िया इतना सुंदर गिफ्ट दिया है तो उससे तो और बढ़ गई है. वाकई हम लोग बहुत लकी है. और मैं तो सर रेकी, मेरे को नी रिप्लेस का बोला है, मैं ठाणे से बोल रही हूँ आरती, और नी रिप्लेस का बोला है तो मैं रेकी कुछ ढूंढना चाह रही थी मेरे तबियत के लिए, तो वो मुझे कुछ नहीं मिला, सीधे आपसे कॉन्टेक्ट हुआ, तो ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात रही. तो सर हम बहुत खुश हैं आपके साथ, और आप ऐसे ही हमको वापस कंटिन्यू कराते रहिए,
और इन दिनों में मैंने पानी बहुत पी पिया सर, और ये जो मेरा लिक्विड डाइट अच्छे से हो गया तो कॉन्फिडेंस लेवल मेरा बहुत बढ़ गया। अब किसी भी बात के लिए मैं बस मेरे कानों में आपकी आवाज गूंजती है, जस्ट एक्सपेरिमेंट, और बस हम करने का सोच लेते हैं। और सर एक बात पूछूं मैं कि ये बड़े बच्चे जो है रात दिन आज से देर से सोते हैं, फिर देर से उठते हैं, दिन भर मोबाइल पे गेम खेलते हैं और फालतू वीडियोस देखते हैं, तो हम पेरेंट्स लोग बड़े मतलब व्यथित होते हैं, और हम मतलब ये वाला हमारा कर्माज है या हमने ये वाली कैसे इनको हैंडल करना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, इनका फ्यूचर इन्हें नहीं दिखता। थैंक यू आरती जी, थैंक यू। ग्रेट मैडम, एज यूजुअल यू वेंट लाइक एन एक्सप्रेस, थैंक यू। हरी जी जी नमस्ते सर। सर ये मेरी आपके साथ सेकंड रिट्रीट है और मैं लंदन से बोल रही हूँ। सर मैंने वैसे हाथ नहीं खड़ा करना था, बिकॉज आपने डिस्क्लोज किया कि कल से एक रिट्रीट आप दोबारा शुरू करिए, सो दिस विल माय कंटिन्यूटी विद द थर्ड सेशन, बिकॉज हमने यूरोप से स्टार्ट किया था, देन छत्तीसगढ़, और अभी यहाँ पे। सो उसके लिए प्लीज सर आप डिस्क्लोज कर दीजिए, क्योंकि कल मैं एक्टिव सेशन में, लाइव सेशन में इतनी नहीं होंगी, बिकॉज हमारे जो आपका ये जो प्रोग्राम है बॉलीवुड का, ये मैं रात को देखते हैं, मैं और मेरा हस्बैंड। सो अगर आपको कुछ बताना है, कोई गाइडलाइंस है, तो प्लीज आज, दिस इज माई रिक्वेस्ट, आज शुरू कर दीजिए। और लाइफ में तो बहुत सारे चेंजेस है सर, बुक रीडिंग चल रही है, एंड फ्रॉम यूरोप ट्रीट टू नाउ वी आर ऑन वन मील। मेरा हस्बैंड बहुत खुश है क्योंकि उसे ज्यादा खाना नहीं पकाना पड़ता, तो वी आर ऑन वन मील। एंड प्लीज दीदी आप मेरे हस्बैंड को अनम्यूट मत करना। अरे आई एम ऑलरेडी देयर, आई एम अनम्यूट, मैं ऑलरेडी अनम्यूट हूं सामने। हेलो, आई एम ऑलरेडी अनम्यूट सर। और वो जो आंटी जी ने अभी, और मुझे ये भी सर पता चल गया, लोग पूछते थे, मैंने आपसे एक बार क्वेश्चन पूछा था एंजल्स कैसे होते हैं, पर आज शायद उसका भी आंसर मिल गया मुझे, एंजल्स ग्रीन कुर्ता में होते हैं, अभी आपको किसी ने यहाँ पे बोला था ग्रुप में, सो आई अंडरस्टैंड एंजल्स कैसे दिखते हैं। और सर थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, यू आर ए ग्रेट मास्टर। पर दीदी मेरे पास मेरे हस्बैंड को मत बोलना, सभी बोलेंगे ही इज ग्रेट। हेलो हेलो हेलो, कैन आई से समथिंग प्लीज? नो सर, नो 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 नो, आई हैव, यस सर यू आर विद मी, यस प्लीज डू नॉट अनम्यूट। आई हैव समथिंग टू आस्क फ्रॉम यू रिजू जी। जी आई हैव टू आस्क समथिंग फ्रॉम यू, सो आई नो बलराज जी विल कम एंड टेक ओवर, he is very good at taking over and hijacking the session. Yeah. I know. So but I want to ask you, you have attended the Europe retreat, so what is the difference you see from the European group to this group? Sir, huge difference. I think I express you personally, ye session to aise hai sir, pata nahi kaun se log Raj Kapoor ki picture dekhte the ya kya dekhte the, but Chhattisgarh mein jo connectivity hai, जो क्वेश्चन है वो मतलब लोग बड़े ओपन होके पूछते हैं, और पर मैं अपनी एक्सपीरियंस से बताती हूँ, जो यूरोप में होता है लोग इतने क्वेश्चन नहीं पूछते, एंड दे जस्ट एक्सपेरिमेंट मोर, जो मैं, प्लीज कोई ऑफेंड मत मेरे से होना, मैं आपसे माफी मांगती हूँ अगर मैं किसी को ये कह रही हूँ कि हम सुनते बहुत ज्यादा है और अमल बहुत कम करते हैं, हम अभी भी वो ही लगे हुए हैं कि डिफरेंस क्रिएट अभी भी वही है। जैसे मैंने देखा है कि मैं प्रदीप सर, पत्री जी, सबसे, नीता दीदी, आप सब महान लोग हो, लेकिन वो महानता हम सब में है, हम अपनी महानता को नहीं खोज रहे और अभी भी जो है ना फ्रीक्वेंसी को सेम करने की नहीं कोशिश कर रहे। शायद प्रदीप सर एक इसका, मैं हिंदी में बोल रही हूँ, इज दैट ओके सर? नहीं नहीं, अच्छा बोलिए बोलिए जी। इसका शायद, इसका सर एक रीजन ये भी है क्योंकि हम लोगों को, हमारी भारतीय सभ्यता में है सर, जो भी हमें ज्ञान देता है हम, यू नो वी ऑल, एक मिनट हिंदी में, उसको हम हमेशा ऊपर रखते हैं, उसको थोड़ा दर्जा, हमें जिस, हमारी संस्कृति ऐसी है, whereas जबकि वेस्टर्न वर्ल्ड में चाहे कोई कितनी भी एज क्यों नहीं मैटर करती, हम उसको एक, उसमें एक दर्जे पे रखते हैं। और जो मुझे डिफरेंस लगा यूरोप के और उसमें, जो क्वेश्चंस होते थे, जो इंटेलेक्चुअल एबिलिटी के होते, हम अभी भी अपने रिश्तों में उलझे हुए हैं, उससे आगे नहीं देख रहे उसके। मैं प्लीज मैं अगर ये मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू दे रही हूँ, अपना ओपिनियन दे रही हूँ सर, जो मैंने देखा, मेरी फ्रीक्वेंसी वहां से शुरू हुई, जो मतलब यूरोप के सेशन से, कि कैसे मैंने अपने आप को कैसे बदलना है। और सर मैंने ये देखा है, मैंने अपने आप को कैसे बदला, मैंने लोगों को जो जज, मतलब मैं आपको छोटी छोटी एग्जाम्पल देती हूँ, अपने काम में
मैंने जो मतलब जो मेरे पेरेंट्स जो मतलब मेरे को लगता था कि नहीं ये गलत है इनका ये ऐसा नहीं करना चाहिए, सर मेरा उसकी भी परसेप्शन बदली कि मतलब मैंने अपने मतलब एक सर मैं यहाँ पे इंसिडेंट शेयर कर रही हूँ पर हर चीज बेस्ट है मैं हिंदी में बोल रही हूँ। अभी कुछ दिन दो हफ्ते पहले मेरे ऊपर एक पेरेंट इतनी जोर जोर से चिल्लाया होगा पर सर मुझे इतनी हंसी आई उसके बाद क्योंकि आप ये मुझे लगा कि ये अपना रोल प्ले कर रही है और मैंने भी अपना रोल प्ले करना है वहां पे, तो मैंने बस उसको बस ये उसके बाद बोला कन्वर्सेशन के बाद मैंने अपनी मैनेजमेंट को भी बोला मुझे किसी की जरूरत नहीं है बिकॉज इट वॉज गोइंग प्ले ग्राउंड में ये सारा इंसिडेंट हो रहा था, तो मैंने उसको बोला कि आपको इसकी कोई जरूरत नहीं है जस्ट यू नीड टू रिमेम्बर अपनी चॉइसेस को बदलो। सर पता नहीं मेरे मुंह से ऐसे कैसे निकला कि तुम्हारे पास फ्री विल है ये अपनी चॉइसेस को बदलो। सर ऑटोमेटिकली शिफ्ट मैंने अपनी क्लास में देखा मेरी एनर्जीज शिफ्ट होनी शुरू हो गई है बच्चों में। कल मेरा एक क्लास में एक बच्चा था वो बोल नहीं पाता सर, और कल एक बच्चे एक हम लोगों ने एक फार्म एनिमल्स को बुलाया था लाइव सेशन में, तो वो बच्चा उसको देख के पता नहीं उस डॉग को सर लाइट लैंग्वेज में बोलने लगा, उसको कर्डल करने लगा और जानवरों के नाम लेने लगा। वो बोलता बिल्कुल भी नहीं है, ही इज कम्प्लीटली साइलेंट, वो 8 साल का बच्चा है। और सर मैंने ये चीजें सारी फील की हैं, और जो यहाँ पे था आई अंडरस्टैंड सर जो जो नीता जी का दीदी का जो सेशन है ना उसमें जो लोग क्वेश्चन पूछते हैं जो करते हैं, पर मैं सिर्फ इसका सिर्फ एक जो मैंने मैंने अपने कंटिन्यू की ये दो सेशंस की रिट्रीट का बताया कि जितनी आप मेडिटेशन करोगे जितना आप अपने अंदर अपने आप से खोजोगे उतना आंसर मिलता जाएगा। लाइफ इज इजी ब्यूटीफुल है जर्नी। सर आई डोंट नो वेदर आई हैव गिवन द आंसर और नॉट। यस आई वांटेड योर एक्सपीरियंस बिकॉज़ यू अटेंडेड बोथ। माय एक्सपीरियंस इज सर वंडरफुल। मेरा हस्बैंड देखो जो चुप हो गया एकदम से। सर इनफैक्ट द बेस्ट थिंग सर हमारी ना डिस्कशंस होती हैं जो आप करते हो ना, नॉट आर्ग्यूमेंट वी स्टार्टेड डूइंग डिस्कशंस। और मैं आपको जो मेरे बच्चे मेरा बेटा एडल्ट है वो घर पे रहता है वो जो हमारी बातों को सुनता नहीं था ना ही स्टार्टेड नॉट सुनने इन द सेंस दे आर वेरी ओबीडियंट बट द डिस्कशंस आर ऑन द लाइफ ऑन द यू नो सेम फ्रीक्वेंसी। मैं तुम्हारी बात सुनी है तो मेरी बात सुनो। सो यू नो दैट वो शिफ्ट होने लगी है। इनफैक्ट मेरे घर में जो क्लीनर आता है कल भी उनको उसको मैंने पत्थर सर से मिलाया था उसकी पूरी फैमिली वेजिटेरियन बन गई है सर। कुछ सुबह से करना है so yes. It's a one wheel is fine right in the next one we will be sticking on to two meals okay sir for the first okay, week fine. For the first week we'll stick on to two meals okay sir okay so it will be two meals only and it will be regular meditation but some minor modifications will be there so you don't need to worry no need to much prepare just aram okay. says for you all right sir you will get it okay, tomorrow sir. Thank you, sir. Okay. Thank you very much. Thank you, Didi. Thank you. So what she was sharing was actually right because most of my teachings are in Europe, right? Most of teachings are in Europe and Asia. And there, people don't have the guru culture, right? They will not say the guru. They will treat everybody as friends. And they are very sincere. They normally don't come into meditation, but if they come, they are very sincere. And if somebody says something, they will be the first one to experiment to see whether this is true or not. So they always go in the experiment mode. They don't go in the belief mode. But in India, there is a lot of belief, right? People believe, oh, Guru ne bola, main ne follow. That's it. Guru bola, Bhagwan bola, finished, khatam. So they don't use that common sense. So there is a lot of difference. That's why I feel a little bit... How come in India there are so many people are following so blindly? Somebody says something, somebody blindly follows it. So this rational thinking needs a lot of... that's why the East and the West has to come together. The East has some good things, the West has some good things. The both has to be integrated. This is the newer spirituality.
So in the new age spirituality, everybody should be a master and everybody should experiment and meditation, no dependency, right? Absolutely no dependency, and you are your own master. So these are all the things. The season two, I started to train you guys into this. So in the season one, illusion ka thoda dur karne ka koshish kiya. Season two mein, khud hi master banne ka program koshish karta hun. I want everybody to be the top class seekers. I want everybody to be yogis. Everybody to be masters. That is the mission. So mission yogi, that is the title. Okay, sir. Okay. Mission yogi. Okay. Thank you, sir. Right. And yes, Balraji is taking the hand, sir, but you will hijack. That is a problem. No, sir. Today I will not hijack. I will just stay only 1 minute. 1 minute, kaunga, okay, sir. Okay. Yesterday, I mentioned to you something which you mentioned, actually. I'm trying to basically go exactly the way you expressed. You said love at first sight. Okay. और love at first sight कल भी मैंने जिक्र किया और आज भी यही जिक्र कर रहा हूँ और आपको ये भी कह रहा हूँ कि sometimes the low energy वाले beings जो आप जिसका बार बार जिक्र करते थे अपने sessions में, वैसे low energy beings actually I consider myself as a very low energized being और seriously I swear to every person here I 3 hours ago said this to myself that Pradeep sir will continue in this session. I said this to myself. I swear to myself, I'm not lying. Okay. And I also said to myself, ki iska time thoda sa kuch gadbad hai yaar, kuch time mein. Aur aapne abhi dono cheez is session mein, and I was jumping with joy. I couldn't control myself. I was absolutely jumping in joy when you said, ek aapne ki you are going to continue this. And second thing, also you mentioned the time. Which again, as I said, the thought came in my mind. So I'm trying to basically tell you that sometimes the low energy being also, sir, come and influence great masters like you. You are the culprit. I know you are the culprit. Okay, sir. Thank you. It is not lower energy. Please don't use that word. Never use the word lower energy. You see, it is very important. You should honor yourself. Never. Put down yourself. Always speak positive words about yourself. Okay, sir? Yes. Thank you. Haan, Priya ji. Thank you, Madras, sir. So, maine mission bhi bol diya. Mission yogi. Yeah. How is the title, madam? Very nice, sir. Very nice. Vaise bhi, sir, Dhyan Chhattisgarh sabhi ko master banana hi chahta hai. हम लोग काफी सीरीज भी चालू करे हुए हैं। No, but in the season two, it is not Dhyan Chhattisgarh, it is Dhyan Bharat. There are people from all over India. Okay, sir. तो टाइटल भी बदल दे सर, ध्यान भारत कर दे। Yes, yes. Okay, sir. As you wish, sir. Chhattisgarh is okay. It started with Chhattisgarh, but now it's going all over India. So one person becoming a yogi will inspire 1,000 people. So we have representation from all over India. Okay. From Rajasthan se, Punjab se, Orissa se, Kolkata se. We have representation now. We have from Pondicherry, Tamil Nadu also one person. Dehradun Nagar, sir. Okay. Sure, sir. Okay, madam. Next one. So let us go with the sharing. And friends, also the reason we are sharing is because when we share something very interesting, when we share our own experiments, when we share our own transformation, it becomes an inspiration for another person. So when you are sharing, you please keep in your mind that you are inspiring many people who are watching you also. So let us be very short, very sweet, and let us be inspirational. Yeah. Toh उन्होंने कहा है कि छोटा बोलिए परंतु दूसरों को मोटिवेट होना इंस्पायर करने के लिए चाहिए वैसे स्पीच बोलिए. हाँ प्रिया जी. थैंक यू. छत्तीसगढ़ के ऊर्जा ने मैग्नेट को अट्रैक्ट कर ही लिया. थैंक यू वेरी मच सर. आपके साथ मनी मन बहुत बातें की है मैंने और बात करते करते दो लाइन आ गई थी जिसका नाम प्रदीप है. उजाला दिया ज्योत.
और जिसके ऊपर उसकी विक्ट्री है, विजय फतेह, वो पूरी एनलाइटमेंट के साथ सबको रोशनी देगा और दे ही रहा है. थैंक यू वेरी मच दैट यू आर कंटिन्यूइंग. मेरे हस्बैंड की इच्छा पूरी हो गई क्योंकि उन्होंने अपना डाइट पूरा चेंज कर लिया है और ये ठान लिया है कि अभी डायबिटीज की दवा बंद करूंगा और मैं जल्दी ही करूंगा. हम लोग अपने आप ये 21 डेज घर पे करेंगे दो मीड्स के साथ और मुझे योगी बनना है. तो टाइटल भी बहुत अच्छा मिल गया कि अब योगी ही बना रहे हैं सबको. थैंक यू फॉर योर एनर्जीज. वी आर ब्लेस्ड टू हैव यू. यस मैडम, थैंक यू. And I know most of the women are happy. I know most of the women are happy because most they don't of the women with their husbands are happy. My husband is too excited, and he's also following the same. Yes, and also even if the happy. Even if the husband is not meditating, the woman is happy because she don't need to cook three times. She will cook only two times. नहीं देन वन मील भी जब भी खाएंगे तो बचत होगी ना. दोनों साथ में ही खाएंगे ना तो माय कुकिंग विल आल्सो बी ओनली वन. थैंक यू मैडम, थैंक यू फॉर शेयरिंग. एंड ओके अनीता जी, आई विल अनम्यूट फ्यू पीपल. ओके सो दैट यू कैन टेक सम रेस्ट. ओके सर, मंजित पुनिया, आप अनम्यूट करके बात कर सकते हैं. Yes, sir. Pradeep ji, lot of gratitude to you. So I'm from Atlanta, Georgia, US. Okay. I just follow. What you do, sir? I'm not do nothing. I'm just follow after COVID. I don't do. I just stay at home for a while, so yeah. We can see. Yeah. And a lot of gratitude to you. I just learned a lot from you. And I have a couple of questions. From the first day, I just start with you and just follow on the diet. We have just today, we have a second week. So on the liquid, we go, maybe next week, you know. But I'm still like, from first day, I'm just with you. So doing this retreat. And I have a question on the organic milk. So we can use the organic milk because sir, okay friends, I think my connection was a little bit went off, but anyway, you can hear me, right? Yes, Manjit ji, I think you were sharing something about the liquid diet. We just start for the last week. We are on the vegetable and fruit diet, and so we have two more weeks to go with that. But on the retreat, we just start from the, we just die on the diet. We just follow from the last week, you know. But from the first day, I see, listen your all sessions and we do the meditation also with you guys. So very good, sir. Continue. If you want to continue next week also, you can continue, right? Yeah, I will. So I have a main question is on the organic milk, because I already have already vegetarian, but on the milk also, that side also, you say, if I go to the vegan. Okay. All right. Because today is a sharing session. Neeta ji, please take the question. Or we will discuss it tomorrow, sir. Okay. It is fine, sir. Okay. Thank you. Yeah. So we'll speak about milk tomorrow. Okay. Doodh ka baare mein, we'll discuss it tomorrow. And please note the timing also. It is going to be 3:30 from tomorrow. Yeah, bilkul samay ka dhyan rakhna. Kal se 3:30 baje se kya session chalu hoga, 5:30 baje tak. Okay, this is okay for me. Haan, yehi link, yehi sab kuch. Yes, and any questions you have, we will take tomorrow. Tomorrow is more of opening the season 2, and then we'll take all the questions and integrate, and then we'll go with intense meditation. So tomorrow you can ask all your questions.
But tomorrow we will answer with the milk, sir. Okay. All right. Thank you. Thank you. I really appreciate that. Yes. Thank you. So next. Yes, madam. Mamta, madam. Aap boliye. Yes, sir. Sir, first of all, I would like to pay you my heartfelt gratitude. Thank you, thank you, thank you, sir. Thank you for being with us. Not yes, madam. Received all the gratitude and my gratitude also for you. Yes, madam. Thank you very much. Sir, you know, when we started our Dhyan Chhattisgarh in the month of June, 18th June. And after a month or so, I asked Neeta that we should, I actually attended one of your sessions and the topic was purpose of life. And I was like, the line you said in that session, I can remember till now, that what is the purpose of your life? And that whatever gives you happiness from the core of your heart, that is the purpose of your life. And that line is like imprinted in my heart. And that has transformed me a lot. And that's from that session, I asked Neeta that we should call Pradeep sir. So she said, Pradeep sir totally speak in English. So how can we call? Probably, no, we should call him once in a Dhyan Chhattisgarh. And I wished, and that is manifested now. Naturally, Neeta has taken so much of pains to call you here. I know very well. But thank you for that so much, sir. I'm really very, very happy. And when I heard that you are coming, I was like, you know, bus. Only I was searching for this master only in Dhyan Chhattisgarh. And that is my final goal in my life. Because I have been... Actually, I saw that YouTube session for so many times, only to listen that particular line. Sir, whatever you are speaking, actually, you are saying so practical words. And what I'm thinking, even I'm very practical in my life. Dreaming or... thinking ye ho jayega ye kaisa karenge, but I always believe in practical thing. In spite of theory and all, if we'll go for practical things, that is more profitable and beneficial for us. So sir, main aapka retreat actually I couldn't follow from the first day. Actually I was that's okay madam, no problem. Season 2 you will follow from the day one. Mission Yogi, no sir, choice for you. After COVID, sir, medicines chal rahi thi na, sir. And really, sir, I want to tell you, like Balraj ji said, and when you were about to speak about second retreat, and from only I think 5 or 10 seconds before that, I was just thinking that I will do my whole, only 3 days are left for my medicines. And then after that, I will do my whole retreat on YouTube and I will talk to Pradeep sir. Only after that, I will talk when I will complete my retreat. And that was my promise. I was just promising you by my, inside my heart. And that very time you declared that I am starting the second session. So I was so happy, sir. Thank you. Thank you. Thank you so much, sir. Thank you so much. आपने जो कहा ना कि पेन सही होगी नीता ने, मैंने पेन नहीं सहा, मैं पेशेंस रखी हुई थी सर के पीछे लगी हुई थी और मुझे मालूम है कि जब स्टूडेंट रेडी होता है ना तब गुरु आ जाता है, तो ये मेरे पास आ गया मेरे पास. थैंक यू. मैं रेडी हूँ. थैंक यू मम्मा. In retreat, I have not followed other things, but only one thing that I am very much totally with mindfulness. I think from the childhood, I have been following this mindfulness. And till today, because I think perfection and patience
both go together with mindfulness. What I have observed that. And that is, I have been following in my life every time. Whatever I am doing, my totally dedication is with that only. When I will finish my that work, I will go to other work. So mindfulness, and you know, sir, I want to tell you one thing. I understand. I understand what you're trying to say, but let us give a chance to other people. Yes, you are a very sweet person. We understand you, but from tomorrow we will practice it. Okay, yes, madam. Sir. Thanks for sharing. And I know why I have got this sudden intuition, because so many people are putting the thoughts. Yes. I checked. Now this Chhattisgarh people are very smart. They are using telepathy only. Okay. Sir, I took my first session on mindfulness in the Zoom session. Yes, madam. Very good, madam. So, thank you. That is very connected to me. Thank you so much. Mamta, madam, I have seen you in Raipur, but you don't remember. I have seen you. I visited. No. I was on a flying visit. I met you. Yes, I saw you in the airport. No, not in the airport. In your house, I met you. When there is an inauguration of PMC Hindi. So that time I was there. But anyway, I'll speak about it later. Thank you, sir. Thank you so much, sir. Thank you. Okay, friends. So now I think we will just, I know time is running out, but we will take quickly. So let me unmute. So let us be very precise. Okay, so who to unmute? So Poonam. Yes, madam. Good evening. मैं मुंबई से बात कर रही हूँ और I'm a homemaker and I got into meditation last year during lockdown and this lockdown has been very very good for me and मुझे बहुत सारी problems थी जो meditation से अभी इस दौरान 21 days के दौरान ठीक हो गई and I never used to fast. I have lot of cravings like biscuits and chocolates. I thought I can never live without biscuits and chocolates. But now, and I don't even drink much water. Lekin now I've cultivated so many good habits. I've left chocolates. Matlab I see chocolates are in front of me and I don't feel like eating chocolates. So, I feel very energetic also. And the purpose of coming to meditation is I always used to think, why have I come here? Ki bas khana, peena, sona. And I was never happy. Matlab, I was never really happy with myself. But with meditation, I'm feeling very content. Matlab, mujhe aise lag raha hai ki I don't need anything to be happy. I'm content within myself. I love sitting alone. And I feel very happy. And first I used to focus on, I don't have this. I'm very unhappy, this and that. But now I have become very mindful and I'm not focusing on what I don't have. I'm looking at all the things, all the beautiful things that I have. And meditation experiences are all very beautiful. And in meditation, sometimes I feel a surge of heat. Bahut sara andar heat ja raha hai. And okay, every madam, pore thanks, opens up. Thanks for sharing. Yes, okay. The questions will be for tomorrow. So let us limit to 100 seconds, okay? Yes. 100 seconds. So friends, for the rest of you who raised the hands. Thank you, sir. Poonamji, thanks for sharing. Okay. Thank you, sir. So just in 100 seconds, where are you from, what you do, and how you came into meditation, and what was your main takeaway in this retreat? So just in short and sweet, okay? So next, Nazim. Nazim, you can unmute and speak. Hello, sir. Thank you so much. Haan, madam, boliye. I'm from Sri Lanka. और मैं एक आयुर्वेद में intern हूँ. और मैंने रोजा रखा था तो मैंने liquid diet follow किया. आपसे बात की थी ना उससे पहले दिन से मैंने liquid diet follow की थी और जो मेरी खोज थी ना वो मुझे लगता है हो गई. और everything because of you, sir. Thank you so much, sir. This retreat has been a huge blessing for me. Meri 10 saal ki khoj puri ho gayi. Main aapki 1 year se aapki sab
देख चुकी हूँ और पीएनसी से जुड़ी हुई हूँ, लेकिन दिस इज द फर्स्ट टाइम आई गॉट द चांस टू इंटरेक्ट विथ यू एंड जॉइन अ सेशन, इवन दो फॉर अ फ्यू डेज इट हैज बेनिफिटेड मी ह्यूज hugely, and also my family and everyone are vegetarians for almost 10 years now. They are also following these 3 days, this retreat also, and they are also really grateful. They wanted me to tell you that, sir. Thank you so much, sir. Immense gratitude, sir. Okay, madam. Perfect. Thank you very much for sharing. See, a great master. Less than 100 seconds. Thank you, madam. So, next, Sashi. नमस्ते सर. नमस्ते मैडम. गो अहेड मैडम. मैं फरीदाबाद हरियाणा से बोल रही हूँ. मैं एक हाउस वाइफ हूँ और पिछले 3 साल से आनापानासति ध्यान कर रही हूँ. 2.5 साल से मैंने एक दिन भी ध्यान मिस नहीं किया है और मैंने वर्चुअल रिट्रीट को पूरा फर्स्ट डे से आज तक अभी तक बड़े अच्छे से फॉलो किया है और मैंने 5 kg अपना वेट लॉस किया है. मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मैं 3-4 साल से सोच रही थी करूंगी पर नहीं हो पा रहा था, तो मैं बहुत खुश हूँ. और सर आपके बारे में कुछ भी कहना सूरज के सामने दिया जलाने जैसा है. आपके सेशन में जो भी डाउट्स थे ध्यान को लेके सारे क्लियर हो गए हैं और इस ध्यान के बाद मैं अपने ध्यान को इस सेशन के बाद मैं अपने ध्यान को और भी ज्यादा बढ़ाऊंगी और योगी बनना चाहती हूँ बस. Thank you, madam. Perfect. And next, Harpreet. Thank you, sir. My heartfelt gratitude to you, all of you, sir. मैंने आज ही ज्वाइन किया एंड आई फील सो ब्लेस्ड कि आई एम एबल टू टॉक टू यू एक्चुअली. माय नेम इज हरप्रीत एंड आई एम फ्रॉम कनाडा एंड आई एम अ प्लानर इन एपीसी कंपनी. सो मेरी मेडिटेशन की जर्नी तो आई स्टार्टेड लास्ट ईयर एंड जस्ट यूज टू मे आई वाज जस्ट ब्राउजिंग एंड आई गॉट टू नो दिस पिरामिड मेडिटेशन एंड पीएमसी हिंदी चैनल. आई जॉइन बुद्ध बनो द फर्स्ट थिंग एंड करोना ध्यान एंड नाउ आई हैड लाइक आई वांटेड टू डू मोर एंड मोर मेडिटेशन ओनली. सो दैट्स व्हाई आई केम अक्रॉस योर लिंक एंड देन यूट्यूब एंड आई आस्क्ड फॉर द ज़ूम लिंक एंड देन आई गॉट इट. Thank you, really, I appreciate it. And I will be joining your sessions from today onwards, I believe. Thank you. Yes. Thank you. Great, madam. Great, thank you. So next, Sarika. Hi, sir, Sarika here from Mumbai. I can say that... what you do, madam? What you do? I am a housewife. Yes, you are a homemaker. Say proudly, you are a homemaker. Yes, I am a housewife. Yes. And I cook for 4 times. Do nashta and do meals. So I can say that I have attended so many dhyans from last... 2020, I joined dhyan. I was doing Buddhism. And Buddhism and meditation is almost the concept is same. So when my mom told me, I joined and I felt really good because now after joining the meditation, I really felt that I'm making my soul very powerful. Why I came? What is the reason? No questions, only sharing. Questions will be tomorrow. No, sir, she was sharing. Oh, but okay. I thought she was asking a question. Why? Huh. Okay. Okay, so she went. I think her network is gone. Maybe she will unmute later. Next, Shalini. Hello, sir. Thank you very much for the session. I'm from Seattle, USA. This tomorrow's session is going to be even more challenging because it's at 3 o'clock in the morning. So thank you very much. I always wanted to join your session. This meditation has helped me overcome my insomnia and I'm very happy that I'm able to continue more. Thank you. Yes, 3 o'clock will be the perfect time for meditation, madam. It is Brahma Muhurt.
Right. Lucky you. Yeah. Lucky you are living in Seattle. Thank you very much. Next, Sushila. Sushila. Hello. हाँ बोलिए मैडम. हाँ बोलिए ना मैडम. हेलो. या प्रणाम. मैं यूएसए से हूँ, मिनेसोटा. और कल का सेशन मुझे भी थोड़ा, लेकिन आई कंटिन्यू. और खास बात तो मुझे ये अच्छी लगी सर आपकी बात में कि जिंदगी के लास्ट पड़ाव में आपने मुझे एक जो दवाई दी है, ओनली मेडिटेशन, इट्स मेक मी सो हैप्पी. एवरीथिंग इज नाउ गॉन. Nothing. If I get 1 minute, I close my eyes and do anapana. This is the best gift you give me, and that's why I'm so much thankful to you. Thank you. Thank you, madam. So this is the gift from Gautam Buddha, and through Patriji, we got this gift. Thank you, madam. Great sharing. Thank you. Yes. Yes, Sarika ji, your network was something. You can unmute and speak. Yes, sir. So I can say that your meditation was amazing. And aaj today's dhyan was really fantastic, I can say. I don't know, aaj ka vibration was super different. Bahut achha laga mujhe. Aapka dhyan and everything was super. It was really good. Thank you, sir. Oh, she went on mute. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you. Yes, madam. Thank you. So next, Reena. Reena Manchu, something. Yeah. Manchanda. Reena Manchanda. Yeah. Good evening, sir. Can you hear me? Yes, madam. Please go ahead. Yes. I'm from Delhi. And I have been doing meditation since 2020. And I have done Kriya Yoga and other meditations. PSSM bhi maine attend kiya. But mujhe Sarika ne hi introduce kiya tha. We both were doing Buddhism. And Buddhism, Nature and Darshan Buddhism. बट एक एपिसोड मैंने आपका ये वाला इसी ये सेशन के अंदर देखा, देन आई फेल्ट सच अ मैग्नेटिज्म ना, कि आई सेड सारिका मुझे इस ग्रुप के अंदर ज्वाइन करवा दो. तो देन शी ज्वाइंड, आई ज्वाइंड इन दिस ग्रुप. दो इट वाज 15th डे ऑफ द सेशन, बट मैंने अपने अंदर बहुत ही मतलब बहुत ही ज़्यादा चेंज फील किया. एंड आई डोंट नो, आई फेल्ट वेरी कनेक्टेड टू यू. So thank you so much, and next session ke liye I'm ready. Thank you. Yes, madam. I'm also waiting. Thank you very much. Yes. Next, Priyanka. Namaskar, sir. हाँ madam, बोलिए. मैं सर दिल्ली से बोल रही हूँ. मैं होममेकर हूँ और मुझे 2 महीने हुए आनापाना सती करते हुए. और मैं अपने आप को फॉर्चुनेट समझती हूँ कि पहले महीने में ही मुझे आप मिल गए और बहुत सारी चीज़ें आपसे सीखी और अपने आप को, मतलब मैंने अपने आप में बहुत परिवर्तन पाया. बहुत सारी चीज़ें अपने बारे में भी जानने को मिल रही हैं और मैं नेक्स्ट सेशन के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और मैं चाहती हूँ कि मेरी यात्रा ऐसे ही चलती रहे और बहुत सारी कुछ चीज़ें सीखूँ, जानूँ और दुनिया के बारे में, अपने बारे में, सोसाइटी के बारे में सारी नए एस्पेक्ट से सोचना शुरू करूं सर और अच्छा ह्यूमन बीइंग बनूं. थैंक यू मैडम. ग्रेट, परफेक्ट शेयरिंग. यस, मीनाक्षी कपूर जी. हाँ मीनाक्षी.
Yes, can you speak? Meenakshi Kapoor, I think she disappeared. Okay, next. कहाँ गए वो? Maybe. ये है ना, है ना? Unmute करिए, मीनाक्षी जी unmute करिए. मैंने उनका लोअर हैंड कर दिया था तो वो नीचे चल गई. ओके ओके. यस यस. एको आ रहा है. वो फोन से जुड़ी हुए हैं उन लोग शायद. Is it okay now? Okay. I think you changed your profile from Meenakshi, you become Chand. No. Unki mother hai, Chand. Okay. Yes, yes. I know, I'm joking. Yes. Go ahead, madam. I'm from Noida. And about a year back, I used to work as a coach and a facilitator, but I left because I wanted to really crack the truth. I mean, really for that, I thought I will need more time and all that. So that's what I'm experimenting right now with, dabbling with something like being a forgiveness coach, but I'm still just experimenting. So I think apart from the various learnings, what I really took away from you is Apo Deepo Bhava. Because, you know, till about last year when I left and, you know, there was my spiritual guide kind of left me and I was like, I don't know how to move forward. And I was really grappling. So you have kind of ingrained in me that I have to work it out myself. So, so very much. Thank you very much for this. You know, it really is important. Otherwise, I would have been really searching all my life like that. So that is one. Key one. And apart from that, there have been various others which I'm not going to really talk about. And one small, a big takeaway again has been that, you know, I have been into meditation for many, many years and all. And at one point I was thinking that, you know, reading books is not really needed. I've read so many. So I was becoming complacent. But the other day when you shared this thing that you were sharing about the evolution of the plant kingdom from the mineral to the plant. And that day when I went out and I looked at the trees, it was miraculous. I could look at the trees in such a different light. The missing connect happened that for a slight moment, I could feel that oneness, you know. So again, thank you so much for that as well. So now I'm back to that. Yes, reading books is important. So a lot of gratitude to you, sir. I have lots to say. I have a question to ask, but I know we are not taking questions today. I've been wanting to ask that since the last 2-3 days. So I hope to ask that either tomorrow or whenever you give an opportunity. Yes, madam. Thanks for sharing. Yes, tomorrow we'll take your question. Sir, excuse me. Ek question aaya hai ki jinno season 1 nahi kare hai, wo bhi season 2 mein aa sakte na, sir? Anybody can become a yogi. तो जो भी meditation कर रहे हैं आप उनके साथ ये link share कर दीजिए ताकि even beginners can come. Even beginners can come. Even people who don't know meditation they can also come. Everybody can come. Okay. तो आप लोग सभी लोग अपने friends और relatives के साथ ये link share करिए. 500 तक के है participant का, तो ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े. Thank you, sir. Yes. So next Asta Prajapati. Yes. Good evening, sir. हाँ, yes, madam. हाँ, मेरा जन्म तमिलनाडु में है. मैं राजस्थानी हूँ, but अभी गुजरात में हूँ, सर. Householder. राजस्थान, तमिलनाडु, गुजरात, पूरा इंडिया तुम्हारा, madam. Yeah, sir. जर्नी ना, लाइफ का जर्नी भी इतना है, तो स्पिरिचुअल जर्नी भी बहुत अच्छा है, सर. राधिका मैम थ्रू में मेडिटेशन में आई, सर. एंड रेगुलर मेडिटेशन करती हूँ मॉर्निंग एंड इवनिंग. एंड मेडिटेशन करते हुए थोड़ा वाइब्रेशन लगता है, बॉडी वाइब्रेट होता है. एंड इन मेडिटेशन रेगुलर करती हूँ. सुबह में आंख खुलते ही मेडिटेशन करो तो ही पूरा दिन अच्छा जाता है. एंड इवन रात को भी नहीं मेडिटेशन. आप ट्रांसफॉर्मेशन बताइए मैडम. हाँ, वही तो बोल रही हूँ मैम. पूरा चेंज हो गया ना लाइफ, मतलब द पॉइंट ऑफ व्यू चेंज, देखने का नजरिया. मैं चैलेंजेस भी आते हैं तो उसको कैसे फेस करना, बहुत सारे हैं. प्लांट से जुड़ी हूँ, आई एम एनिमल्स से जुड़ी हूँ, मतलब
बहुत सर है, मैं ऐसे एक ही 100 seconds में एक्सप्लेन करना, इट्स वेरी लिटल डिफिकल्ट, बट मेडिटेशन द्वारा मेरी फिजिकल एंड मेंटल बहुत चेंज हुआ है. बिकॉज सॉरी सर, बट लेट मी टेल यू वन थिंग, मैं एक राजस्थानी हूँ, वी हैव 15% इन अ फैमिली, तो बीइंग वेरी एनर्जेटिक आफ्टर कमिंग टू मेडिटेशन, आई एम बीइंग वेरी एनर्जेटिक, ऑल द होमवर्क, घर का काम सब संभालना, इट्स वेरी रियली नाइस एंजॉयिंग माई जर्नी विथ मेडिटेशन सर, दैट्स इट. अच्छा लगता है मेडिटेशन करता, मैं भी करती हूँ तो धीरे धीरे सब करने लगे, मुझे देखकर मेरे अंदर जो चेंजेस देखकर मेरे फैमिली मेंबर्स भी ज्वाइन कर रहे हैं, और अच्छा एक्सपीरियंस है मैम. ओके थैंक यू मैडम. थैंक यू सर. थैंक यू. यस नेक्स्ट केन पुनिया. हेलो सर. यस यस मैडम. सर एक्चुअली वैसे मेरे हस्बैंड बात कर चुकी है आपके साथ, पर मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने थैंक यू, मैंने और सेल्फ लव सीखा आपसे, बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा, और मैं सेकंड भी ज्वाइन करूंगी. यू आर फ्रॉम जॉर्जिया. सर अटलांटा जॉर्जिया. ओके मैडम थैंक यू. थैंक यू सर. यस नेक्स्ट रेनू अग्रवाल. सर मैं आपका पूरा रिट्रीट मैंने पूरा फुल किया है शुरू से लेकर अब तक, उसमें मुझे एक माइंडफुल में ये लगा कि पहले वेजिटेबल जब आते थे घर पे तो मैं उसको धोने में अच्छा नहीं लगता था, अभी मैंने ये सीखा कि उनसे अटैच ज्यादा हुई और फूड से और टी से डिटैचमेंट हुई, खाने की चीजों से डिटैचमेंट हुई, प्लांट से इन सबसे अटैचमेंट ज्यादा हुई. और दूसरा मुझे फेथ हुआ, इतना फेथ अंदर आया कि मुझे एक गुड न्यूज मिली कि मुझे फेथ से ही गुड न्यूज मेडिटेशन से मिली कि मेरी बेटी की जॉब लगी लंदन में इसी 22 डेज के अंदर अंदर, एक ये आया. और दूसरा सर मेरे को चैलेंजिंग आते हैं तो उसको मैं फेस करती हूँ और एकदम बहुत अच्छे से फेस कर पाती हूँ, कि मेरे ये कोई भी कुछ बोलता है तो मैं सोचती हूँ ये चैलेंजिंग है, इसको मुझे फेस करना है और उसको निकलना है, तो ये मुझे में चेंज आया. और मैं फुल डाइट जैसे लिक्विड पे रहती हूँ तो फुल एनर्जी से भरी रहती हूँ, बहुत ऊर्जा मिलती है. सर ग्रेटिट्यूड आपको, ग्रेटिट्यूड और फेथ से आपसे बहुत कुछ सीखा मैंने, इन सब से अटैचमेंट कैसे रहना है, डिटैचमेंट, फेथ, सब कुछ माइंडफुल और एनर्जी और सब कुछ सीखा सर. थैंक यू ग्रेट सर. ओके मैडम थैंक यू. ऑल हैप्पी गुड न्यूज. यस थैंक यू. नेक्स्ट मिशिका. Mishika, can you unmute? Namaste, sir. हाँ मैडम बोलिए. जोर से बोल रही हूँ, सुधा मोहता. और मैडम आपका वॉइस डिस्टर्बेंस है, थोड़ा रीसेट करके फिर दूसरे बार ट्राई करना मैडम. ओके ओके सो नेक्स्ट गौरी संजीव. हाँ सर. हाँ बोलिए मैडम गौरी. हाँ नमस्ते सर. यस मैडम. हाँ सर मैं नागपुर से बोल रही हूँ. हाँ मैं ध्यान में 2012 से हूँ सर, पर आपके सेशन में जितने भी समस्याएं लगती थी या क्वेरीज थी या कुछ मतलब कंफ्यूजन था तो वो मेरे सारे डिटेल सारे मेरे खत्म हो गए. मैंने नीता जी को 4 दिन पहले अपनी निजी समस्या के बारे में जानना भी चाहा था, पर सेशन में इतने क्वेश्चन पूछते हैं सभी हमारी लेडीज बहन है तो मुझे वो क्वेश्चन में ही मेरा आंसर मिल गया सर. और नीता जी को मैंने बोला था कि सर ने तो मुझे मंजिल बता दी है, अब ये आध्यात्मिक यात्रा का लुत्फ लेते हुए मुझे आगे बढ़ना है. मैं बहुत खुश हूँ सर, मुझे कि अभी कोई शंका नहीं है और कोई झिझक नहीं और कोई गिल्टी भी फील नहीं है. ये बाकी सब मेरे लिए चैलेंजेस ही था सर. ये सब मैं सिंगल मदर हूँ तो बहुत सारे प्रॉब्लम आते थे, पर अब जैसे बहुत हिम्मत और आत्मविश्वास और शक्ति जैसे मिल गई है आपकी वजह से सर. रियली डीपली ग्रेटिट्यूड सर. और नीता जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप जैसा हीरा उन्होंने हमारे सामने लाया. थैंक यू. थैंक यू. यस मैडम थैंक यू. सो नेक्स्ट किरण. हेलो सर नमस्कार. यस मैडम नमस्कार. नमस्कार
मुझे तो उम्र भर की तलाश कर एक रास्ता मिल गया, आई गो का फॉर्मूला, डू मेडिटेशन डू मेडिटेशन डू मेडिटेशन. मैडम मैडम योर वॉइस इज ब्रेकिंग, कैन यू जस्ट ट्राई योर हेडफोन्स, कैन यू रीसेट एंड देन वी विल अनम्यूट यू. यस ट्राई टू रीसेट. ओके हेलो, आर यू गेटिंग माय वॉइस? यस योर वॉइस इज लिटिल डिस्टर्ब्ड मैडम, यू कैन रीसेट एंड देन वी विल स्पीक लेटर. ओके 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 दिव्या नेक्स्ट. सर नमस्ते. नमस्ते मैडम. मैं आपसे ना आपका मेडिटेशन रायपुर में अटेंड कर चुकी हूँ और बहुत साल से कर रही हूँ, पर अभी जो मतलब 20 डेज मैंने किया है और बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत एंजॉय लग रहा है और लाइफ अभी अच्छी लगने लगी है बहुत. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच. सर मैंने म्यूजिक में डॉक्टरेट किया है और ये मैं चाहती थी कि आपके सामने मैं ये भजन गाऊं, मधुबन खुशबू देता है पूरा. ओके सम अदर डे मैडम. हाँ थैंक यू. You will get a chance. Sir, बहुत अच्छा लगा. Thank you, sir. Thank you. Yes, madam. Thank you and thank you for your thought to sing. Yes, we will have more celebration because this group has become more of a happy-go-lucky group. So we will have singing also sometime. Okay, sir. Thank you. सर हम लोग बीच बीच में बहुत मस्ती करते रहते हैं, डांस वांस और गाने वगैरह खूब अच्छे से करते रहते हैं. Can you unmute and speak, Ashika? Okay, I think she's still fixing up. Okay, so we will take Renu. Renu Rani Verma. Unmute karo. Hello. Yes, madam. Anji, can you hear me? Yes, yes. Hello. Namaskar, sir. Anji, madam, namaste. सर सबसे पहले तो माइंडफुलनेस का जो आपने बताया ना, ये बहुत मिरेकल, एक तरह से मेरे लिए तो बहुत मिरेकल था, ये है अभी भी. तो मैंने उस हिसाब से अपने आप को बहुत चेंज किया. और जो आपने आज बताया ना कि मैं सरप्राइज दे रहा हूँ, तभी मुझे इंट्यूशन हुआ अंदर से कि सर एक्सटेंड करेंगे और वही हो गया. तो थैंकफुल टू यू, आई ऑलवेज हेल्प. सर सबको इंट्यूशन हुआ, मुझे क्यों नहीं हुआ सर? मुझे मतलब जब आपने बताया ना सर, मुझे सर 40 डेज का करेंगे ये लगा, मुझे 40 डेज का हो गया, वो तो 22 था 21. नहीं मुझे इसलिए नहीं लगा क्योंकि मुझे सर हमेशा बोलते हैं, आज भी मुझे बोले नो डिपेंडेंसी नो डिपेंडेंसी, मुझे आया ही नहीं. तो मुझे उसी समय जैसे सर ने बोला मुझे लगा कि बिल्कुल, और सर ने जैसे अनाउंस किया मुझे बहुत अच्छा लगा. थैंक यू सर, बहुत सारी चीजें, बहुत सारी चीजें सीखने को मिली. थैंक यू. ओके मैडम थैंक यू. सो नेक्स्ट वर्षा, वर्षा पटेल. वर्षा पटेल कैन यू अनम्यूट? नेक्स्ट. यस हेलो सर. हाँ यस मैडम. सर सबसे पहले तो आप जैसे सोल से मिलने का मौका मिला उसके लिए हम अपने आप को भाग्यशाली समझते हैं कि आप एक डाउन टू अर्थ भी है और स्काई की लिमिट को छुए हुए विजडम भी है, तो उसके लिए हम बहुत बहुत खुशी है हमें कि ऐसी हायर फ्रिक्वेंसी वाले लोग से, सोल से मिलने का मौका मिला. और दूसरी बात ये कि मैं ये डाइट 6 मंथ से फॉलो कर रही हूँ और मेरी थोड़ी हेल्थ प्रॉब्लम है, मैं हेल्थ की वजह से ही इसमें आई हूँ. ऐसे तो मैंने 2017 में विपश्यना किया था और उसके बाद फॉलो नहीं करती थी, पर अभी मैंने सोचा कि 40 दिन का एक सेशन करना है तो वो मैंने शुरू किया था. और करीबन 20 दिन बाद मैंने अचानक ये वीडियो देखा तो फिर मैं उसमें ज्वाइन हो गई. पर मेरी एक क्वेश्चन है कि ये डाइट भी फॉलो कर रही हूँ और दूसरी बात कि मैं मेडिटेशन भी पहले से करती थी, पर मेरा ये मैडम क्वेश्चंस
क्वेश्चंस आज हम नहीं ले रहे सर मैं चार दिन से हैंड रेज कर रही हूँ यस सो वी विल टेक टुमारो ओके कल मैं वर्षा जी आपको बिल्कुल अनम्यूट कर दी कर आप पूछ लीजिएगा ओके थैंक यू एंड थैंक यू सर वेरी मच थैंक यू मैडम ऑल्सो थैंक यू नेक्स्ट रंजना जी हाँ मैडम बोलिए मैडम वी कैन नॉट हियर योर वॉइस नीता जी आपको आवाज सुन रहे नहीं नहीं बिल्कुल नहीं आ रही सर ओके रंजना जी आपका माइक एक बार चेक करके फिर बाद में बात कर रहे हैं ओके दीपाली थिंक देर आर मेनी दीपालीज इज इट अ कॉमन नेम दीपाली हेलो सर हाँ हाँ मैडम बोलिए मैं पुणे से हूँ मैं कंप्यूटर साइंस में एज अ फैकल्टी वर्क करती हूँ एंड मुझे नीता मैडम से ये रिट्रीट का पता चला एक में सेकेंड मे को ही एंड ऑन द सेकेंड मे एट 2 PM शी सेड यू हैव टू अटेंड दिस सेशन रेगुलरली जस्ट ओनली शी सेड दिस टू मी एंड आई स्टार्टेड अटेंडिंग द सेशन तो मेरे को मेडिटेशन के बारे में कुछ भी पता नहीं था सर एवरीथिंग आई गॉट फ्रॉम यू and happiness, joyfulness, satisfaction, everything I received from this 22 days retreat. All the things I have followed as per your instructions, as whatever you said to me. Lasun, garlic jo hai, wo chhod diya hai sir. And I was wondering just only for that, my husband was not well when the retreat has started, but he has listened all your sessions and he wanted to do the retreat. So we were like thought, ये होने के बाद आपके वीडियोस देखेंगे एंड उसके तरह से हम लोग 22 डेज फॉलो करेंगे बट यू सेड फ्रॉम टुमारो वी आर हैविंग द रिट्रीट प्रोग्राम अगेन एंड ही वाज आल्सो हैप्पी एंड फ्रॉम टुमारो आल्सो ही इज गोइंग टू स्टार्ट द सेम रिट्रीट प्रोग्राम विथ यू सो आई एम थैंकफुल टू धैन छत्तीसगढ़ टू यू आल्सो सर फॉर गिविंग द विजडम एंड मेकिंग ट्राइंग टू मेक ऑल ऑफ अस लाइक यू थैंक यू वेरी मच सर Yes, madam. Thank you. Yes, Samir Kumar. Yes, sir. Yeah, actually, I'm basically from Bargarh, Odisha, near to Chhattisgarh, I can say, and currently living in Bangalore and working as a software professional in TXC. Okay, so I came to meditation 2004 or 2005, I can say, but after then, actually, I completed my MCA, but didn't get any job. I tried that time, so I left meditation for some time. After that, I am also experimenting so many things in yoga, meditation, and all this life. So last corona, when corona started last year, that time I came into PSSM, sir. So, yes, sir. You have to hurry up. I have 1 more minute. I need to leave. You have only 10 seconds, sir. Only 10 seconds. Coming back to experience, past 2 weeks was not that much changes. But third week, I got so many changes, drastic changes, I can say. I lose around 5 kg. Okay, and it was very awesome. And mindfulness, I was practicing at every time, and it is also very good. So thank you very much, sir. Thank you, sir. Thank you. So friends, I'm going to take the last one, Archana. So last one, and then the rest Namaste, you can sir. Please. Yes, madam. Namaste, sir. मैं बिहार से हूँ और आई एम एन ऑप्टोमेट्रिस्ट और मैं गाजियाबाद में रहती हूँ तो सर हमारे मेरे हस्बैंड मेडिटेशन नहीं करते थे बट आपका सेशन सुनकर वो मेडिटेशन में आ गए मेरे लिए ये
बहुत ज्यादा चैलेंजिंग था और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है सर। और मेरा ये इंट्यूशन था कि मुझे आपका सेशन और मिले, और मैं आज बहुत खुश हूँ सर कि आपने मतलब फिर से हमें 22 डेज दे दिया। थैंक यू सो मच सर। और हमने सारा डाइट आपका फॉलो किया सर, लिक्विड डाइट भी फॉलो किया। लिक्विड डाइट फॉलो करने के बाद ना मुझे थोड़ी वीकनेस आई, तो हमने मैंने थोड़ा सा फ्रूट्स ले लिया, बट हमें बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच सर। यस मैडम, थैंक यू। परफेक्ट शेयरिंग विद इन 1 मिनट। सो फ्रेंड्स, आई हैव टू लीव, आई हैव अनदर सेशन। सो थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग ऑल दोस इंस्पायरिंग स्टोरीज। नाउ आई नो व्हाई वी हैव टू एक्सटेंड। सो थैंक यू नीता मैडम। आई थिंक टुडे आई गिव यू रेस्ट। Today there is no much translation for you. Yes, so thank you Kim ji and Neeta ji and the Pura team for making this wonderful. So you can see so many people coming from so many states. Yes, right. So tomorrow we will go with a greater josh. Yes, right? yes. So sab logon ka namaskar. So thank we'll see you again tomorrow. Thank you. 3:30. Thank you very much. Thank you, sir. तो फ्रेंड्स, जैसा कि सर ने बताया कि बिगिनर्स भी फॉलो कर सकते हैं इस रिट्रीट को, और जो मेडिटेशन कर रहे हैं वो तो कर ही सकते हैं। तो आप लोग इस लिंक को जितना ज्यादा हो सके उतने तक के पहुंचाइए, क्योंकि देखिए अगर हमने 22 डेज में इतना पाया है तो क्या हम नहीं चाहेंगे कि हम दूसरी भी सोल्स का भला करें। और जितने सोल्स का आप भला करते जाएंगे आपको भी बेनिफिट मिलता है। तो पूरे वननेस के साथ सभी लोग के साथ यह शेयर करिएगा। मुझे खुद पे यह यकीन नहीं हो रहा है, क्योंकि सिर्फ सेशन के आधे घंटे पहले सर से मेरा डिस्कशन हो रहा था, और मैं उनको बहुत इंसिस्ट कर रही थी कि नहीं सर, आपको बुद्ध पूर्णिमा में करना पड़ेगा अगर आप नहीं जा रहे हो। तो बोले अगर मैं नहीं जाऊंगा नीता तो भी मैं मेडिटेशन के लिए नहीं कराने आऊंगा। मैंने कहा सर क्यों, हम तो बोल रहे सिर्फ मेडिटेशन, फिर डिपेंडेंसी। मैंने कहा सर इतना अच्छा बुद्ध पूर्णिमा का डे है और आप जैसे लोग, मैंने कहा दिया ना मैं रेस्ट लेना चाहता हूँ, तो जब इतने दिनों से मुझे मना कर रहे थे तो मुझे एक रत्ती भी इंट्यूशन नहीं था। मुझे लगा शायद कोई नवनीत जी आ रही हैं या पत्री सर आ रहे हैं, मुझे नहीं मालूम क्या था। पर सब आप लोग का प्यार, आप लोग की एनर्जी, आप लोगों की जो वो डिजायर है वो शायद उनको इंट्यूशन के द्वारा मिल गई। तो आप सभी लोग को थैंक्स, ये पूरे टीम के लिए नहीं, ये हम सभी लोग जितने लोग ने ज्वाइन किए उन सब को क्रेडिट जाता है। तो थैंक यू।